जयसियाराम परम प्रिय मेरे भाई बहन, आप सभी का स्वागत है और विशेष अभिनंदन उन भाई बहनों का है जो लोग इस शारदीय नवरात्रि में मैया की सेवा कर रहे हैं, चाहे व्रत रख करके अथवा स्थापना करके अथवा कोई उनका जो है नवान मंत्र आज का नियम लेकर के अथवा अपने इष्ट देव का नियम लेकर के, जैसे कि श्री राम रक्षा स्तोत्र इत्यादि पाठ का बहुत ही बड़ा महत्व है, नवरात्रि में वो सारे सब सिद्ध हो जाते हैं। तो उन सभी लोगों को मैं नमस्कार करते हुए वीडियो आगे बढ़ाता हूँ। वीडियो में आज मेरे क्या निवेदन करने वाला हूँ कि हम व्रत में क्या करें, क्या खाएं। दूसरा, घर में हमने स्थापना कर दिया है मैया की कलश के रूप में, तो उनकी सेवा कैसे करें। तो व्रत में जैसा कि हम प्रचलन है भैया व्रत है व्रत है व्रत है, तो इसका हमें प्रचार ना के बराबर करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप सच्चे मन में व्रत है ना बिल्कुल अच्छी तरह से करना चाहते हैं, तो ये जो राजगीर का आटा है, साबूदाने की खिचड़ियां वगैरह सब को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि जब आप फलाहार है ना तो फल प्लस आहार, फल का जो आहार किया जाए वही फलाहार है, वो भी 24 घंटा नहीं, हाँ एक बार प्रातः हो गया एक बार दोपहर के समय हो गया, क्योंकि रात्रि में फल खाना भी नहीं चाहिए। इससे भी काम नहीं हो पाया तो हमने दूध ले लिया, और भी नहीं हो पाया तो जो सूखा मेवा है ड्राई फ्रूट्स है उनका हमने प्रयोग कर लिया, ये उत्तम है। इतना भी नहीं हो पाया तो आगे जाकर के जो है हमने दूध ग्रहण कर लिया। जिनको सिर दर्द वगैरह हो जाता है चाय इत्यादि न लेने से ठीक है, उनके लिए वो छूट है, नहीं तो जयसियाराम पूरा मन जो है दिन भर उसी में लगा रहेगा और मैया की उपासना कर नहीं पाएंगे। जो लोग ऑफिस गोइंग हैं उनके लिए बहुत कठिनता होती है, क्योंकि बाहर का जो थर्माकोल का गिलास है, कागज का गिलास है, प्लास्टिक का गिलास है, ये सब अशुद्ध श्रेणी में आते हैं। बाकी तो आपको लेना है तो अपने बर्तन में आप ले सकते हैं, तो अपने घर से ही फ्रूट्स वगैरह आजकल तो बहुत सारे डिब्बे अच्छे आते हैं, उनके द्वारा ले जा करके आप ग्रहण कर सकते हैं। नारियल पानी बहुत शुद्ध होता है, पर वो भी काटने के बाद जैसे किसी व्यक्ति ने पिया तो उसमें मलाई निकाल लेंगे, दोबारा काटा तो पिया तो जूठा हो गया, दोबारा से काट के मलाई निकाला तो वो उसका जो है काटने वाला औजार भी जो है जूठा हो गया, फिर उसी औजार से हमारा काटेगा वो। तो इसलिए हमें अगर सुविधा है हमारे पास पानी है तो उसके औजार को धुलवा देना चाहिए, जो कि पॉसिबल बहुत कम होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन व्रत रहने का मतलब ये नहीं कि हम भूखे हैं ऐसा नहीं है, उसका मतलब ये है कि हमें कार्य करना है। कार्य क्या करना है, मैया का जो नवान मंत्र है उसका कम से कम मिनिमम 3 माला, और भी मिनिमम आप करो तो 1 माला जो है नित्य जाप करना चाहिए। उत्तम तो यह है कि भैया पूरे नवान में जय जय सियाराम 1,25,00,000 हो जाए, पर ठीक है जितना हो जाए उतना करना चाहिए। इसके बाद में ये भी नहीं हो सकता तो माता जी की जो 40 वगैरह है, हालांकि 40 से अच्छा तो जप है, पर ठीक है सुबह शाम आरती इत्यादि तो होती ही है, तो उनका गुणगान करना, उनको स्मरण करना कि मैया रानी घर में विराजमान है और उनकी हम सेवा कर रहे हैं। दूसरी बात, जिन भाई बहनों ने कलश की स्थापना कर दिया है उनसे कई बार समाज में बहुत भ्रम फैला हुआ है कि कलश को हिलाना नहीं चाहिए, पर ठीक है हिलाना नहीं चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को कहा गया भैया आपको बेड रेस्ट करना है तो करवट तो ले सकता है ना, इधर उधर घूम तो सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो घूम भी नहीं सकता है, बिल्कुल ऐसे रहेगा, ऐसा नहीं। इसी प्रकार से कलश को हिलाना नहीं है, पर उसको संभाला जा सकता है, ऊपर के जो फूल पत्तियां इत्यादि हैं सोने के पहले हमें उसी प्रकार उतार देना चाहिए, जिससे हम अपने आभूषण को दागिना को कान नाक मुंह का सारा चीज उतार करके आराम से रिलैक्स होके सोते हैं। ऐसे रात्रि में पूरा फूल पत्तियां बेलपत्र इत्यादि सब उतार देना चाहिए। हाँ, सुगंधित पुष्प है तो माता जी के आसपास में रख देना चाहिए। पुनः प्रातः उठ करके एक गिलास में पूरी तैयारी करके एक गिलास में जल लेकर के थोड़ा गंगा जल इत्यादि तो मिला के थोड़ा थोड़ा दो दो बूंद चार चार बूंद पुष्प के द्वारा कलश के ऊपर छिड़क देना चाहिए। चंदन को भी धीरे से उंगली से पोंछ के अपना टीका लगा लीजिए अथवा कटोरी में निकाल लीजिए, पूरे परिवार लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, फिर माँ का वो टीका लगा दीजिए, थोड़ा सा कुमकुम लगा दीजिए और फूल हारों से श्रृंगार कर दीजिए, अड़वल का फूल बहुत प्रिय है, इसके बाद में भोग लगा दीजिए, धूप दीप कर दीजिए और आरती तो आप सभी लोग प्रातः और शाम को करते ही हैं। यही नहीं, तेज म्यूजिक नहीं बजाना चाहिए, माता जी का भी भजन हो तो एक एक स्थिति में ही बजाना चाहिए, अनावश्यक हमें गपशप नहीं करना चाहिए, मानना चाहिए हमारा जब तक बिलीव नहीं होगा ना तब तक पूरा फल नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से जैसे हम घर में नित्य
काम करते हुए 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर चल लेते हैं, पर चूंकि हम काम करते हुए चलते हैं तो इसलिए हमको शरीर में वो लाभ नहीं मिलता है। और जब पूरा कंसंट्रेट करके कि हम भैया मॉर्निंग वॉक को जा रहे हैं, इवनिंग वॉक को जा रहे हैं, 1 घंटा भी समय देते हैं तो पूरा हमको उसका लाभ मिलता है। इसी प्रकार से माता जी जब आई हैं तो उनके सामने हम पैर करके वैसे ना बैठे, थोड़ा मर्यादित रहे और जो भी घर में बने वो मैया को अर्पण करें, नीचे प्लेट रख करके उसके ऊपर भोग रख करके जो भी बने, और वो चीज नहीं बनना चाहिए। हाँ, जैसे बच्चे भूखे तो नहीं है, उनके लिए भोजन बना तो भी माँ को अर्पण करके ही हमें ग्रहण करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि काफी कुछ जानकारी देने का प्रयत्न किया हूँ। इससे संबंधित जो जानकारी आपको चाहिए आप कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सियाराम।